10 न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। गुना हॉकी खिलाड़ियों का प्रतिनिधि मंडल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को स्टेडियम की जमीन की अस्थायी तौर पर दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर ए.के. फ्रैक को ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों ने अपनी समस्या रखते हुए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने झंडा फहराए जाने की अनुमति के तकरीबन 8 महीने बाद तिरंगा फहराया गया, तदुपरांत 2 महीने बाद ही तिरंगा फ्लैग स्टैंड से निदारद हो गया। झंडा गायब होने के कई महीने तक जब झंडा नहीं लगा तो हॉकी खिलाड़ियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर इसकी शिकायत की, तो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में आनन फानन में फिर झंडा लगा दिया गया, लेकिन बीते 10 दिन से झंडा फिर फ्लैग स्टैंड से गायब है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी शेखर वरिष्ठ ने वाचन में कहा कि आखिर ये कैसी राष्ट्रीय ध्वज की अस्मिता है, इसे बार बार अपना अपमान झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर स्टेडियम की बेशकीमती जमीन ली गई, जब उसका ही निरंतर अपमान हो रहा हो तो इसका उद्देश्य साफ लगाया जा सकता है कि खिलाड़ियों ने अपने वाचन पत्र में कहा कि उपरोक्त जमीन खिलाड़ियों एवं खेल प्रशासन के हक की है। संजय स्टेडियम में हॉकी टर्फ बिछाने का कार्य चल रहा है, भविष्य में यहां स्टेडियम अपना मूर्त रूप लेगा, तब यह जमीन वन पार्किंग और अन्य खेल गतिविधियों के उपयोग में आएगी। मुख्य बात यह है कि अनुमति पत्र में प्रशासन द्वारा यह साफ साफ उल्लेख किया गया कि झंडा सहित संहिता के उल्लंघन होने पर अस्थायी प्रदत्त अनुमति स्वतः ही तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी, क्योंकि 2 मर्तबा तिरंगा अपने स्थल से कई दिनों तक गायब रहना ही झंडा संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसलिए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को दी गई अस्थायी अनुमति निरस्त कर वापस खिलाड़ियों एवं खेल प्रशासन के हक में कई जावे हॉकी प्रतिनिधि मंडल के पूर्व वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी बलवंत सिंह, शेखर वशिष्ठ, राजेंद्र जगताप, शरद शर्मा, रणधीर चंदेल, अमित प्रताप, इखलाक खान, जुबैर खान सहित कई जूनियर खिलाड़ी मौजूद रहे। आज हमारे गुना शहर के सभी जूनियर हॉकी खिलाड़ी अपने वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों के साथ कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने पहुँचे और स्टेडियम की तत्संबंधी जो जमीन है जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 102 फीट तिरंगे को फहरा जाने के लिए अस्थायी तौर पर अनुमति प्रदान की थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कई मरतबा झंडा स्थल से गायब है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है और तत्समय जब जमीन स्टेडियम की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम की थी तब भी सभी खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था कि ये हॉकी स्टेडियम की जमीन है, भविष्य में जब स्टेडियम बनेगा तो ये हमारे खिलाड़ियों के उपयोग के कार्य आएगी, लेकिन खिलाड़ियों की बात प्रशासन ने नहीं सुनी। आज जब बार बार जिस उद्देश्य को लेकर जमीन दी गई है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश की, हम सब की आन बान और शान है। 2 बार झंडा अपने फ्लैग स्टैंड से गायब हो चुका है और तकरीबन 20-20 दिन तक या महीने भर तक झंडा अपने स्टैंड से नदारद रहता है। आखिर राष्ट्रीय ध्वज की ये किस तरह की अस्मिता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में इस बात को ये कहता है कि निश्चित तौर पर इस जमीन को लेने का कोई और उद्देश्य है। आज हमने कलेक्टर से इस जमीन को वापस खिलाड़ियों को और खेल प्रशासन को सौंपने की मांग की है। क्या नाम है आपका? शेखर वशिष्ठ, पूर्व हॉकी खिलाड़ी।